अरे सुफियान, कहाँ से आ रहे हो? कोचिंग से सर। कोचिंग? किस कोचिंग से आ रहे हो? यूनिक कोचिंग। यूनिक कोचिंग? अच्छा, वो मुनीर सर की कोचिंग? हाँ वही सर। क्या क्या पढ़ते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब पढ़ते हो। लेकिन क्या तुमने जो भी शब्द बोले हैं, तुमने जो भी सब्जेक्ट्स के नाम बताए हैं, उनमें से दो सब्जेक्ट के नाम तुमने गलत प्रोनाउंस किया है, क्या तुम्हें पता है? नहीं सर, हम तो बच्चे से यही बोलते आ रहे हैं। केमिस्ट्री? यस सर। बायोलॉजी? यस सर। ये बचपन से केमिस्ट्री बायोलॉजी बोलता आ रहा है। इस बंदे को मैं बता दूं कि वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं होता, वो होता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और जिसे तुम बायोलॉजी कह रहे थे ना ई का साउंड देकर, वहां ई का साउंड नहीं है, वो बायोलॉजी है। ठीक है, बहुत लोग इसको बायोलॉजी कहते हैं, चलो वो इंडियन एक्सेंट के लिए ठीक है, लेकिन बायोलॉजी कहना ज्यादा अच्छा होगा। तो आगे से तुम्हें क्या कहना है? केमिस्ट्री को केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी को बायोलॉजी, बायोलॉजी। और मैथ की तुम बात कर रहे थे तो मैथ तुमने ठीक बोला था, क्योंकि मैथ को हम मैथ्स भी कहते हैं और मैथ भी कहते हैं। लेकिन एक राज आपको बता दूं मैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है वो कहती है कि भाई साहब आपको मैथ्स कहना है एस लगाकर, और अमेरिकन इंग्लिश मैथ कहती है। तो हम लोग किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, इंग्लैंड की इंग्लिश को। तो हमें ज्यादातर मैथ्स कहना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को ज्यादा फॉलो करते हैं। और मैथ अगर आप कहते हो तो भी ठीक है, लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिन्हें हमें सही प्रोनाउंस करना आना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल मेरे कॉलोनी क्लासेस पे ऐसे ही बने रह सकते हो और बहुत सारे वीडियोज देख सकते हो।